दोस्तों देखिए, हमने असेंबल्ड एलईडी 32 इंच को ओपन कर रखा है आपके सामने है, और इसमें जो बोर्ड लगा है वो एंड्रॉयड बोर्ड है। इसका नंबर है VS.SP358212, और जो इसमें पैनल नंबर है ये रहा आपके सामने V320BZ8, ये सिंगल कोफ का पैनल है। और इसमें जो फॉल्ट है, मैं एक बार आपको उसके बारे में आगे बता देता हूँ, पहले इसको एक बार स्टैंड बाय से रिलीज कर लेता हूँ। और दोस्तों देखिए, मैं इसको स्टैंड बाय से एक बार रिलीज़ कर रहा हूँ, देखिए ऑन हो चुका है ये, मैंने इसको सील भी दे रखा है, ये देखिए, ये ऑन हो चुका है। और ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि। और जो फॉल्ट है, यहाँ पर कोने में एक ब्रेक है, डैमेज है कोना, ये देखिए, काफ़ी चांस है कि इसकी वजह से ये लाइनिंग होगा, और इसकी वजह से हो सकता है बन भी जाए ना भी बने, हम कुछ ट्राई तो अवश्य करेंगे। इसमें जैसे WBS का फॉल्ट होता है, कुछ इस तरह का फॉल्ट है, और मैं भी इस पे वर्क करने वाला हूँ। यदि कुछ बन भी जाएगा तो ये हिस्सा तो नहीं बनेगा, जो दो लाइनिंग है वो भी नहीं बनेगा, लेकिन जितना बनेगा हम उतना ट्राई करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने पैनल को ओपन कर रखा है, और ये देखिए इसमें कोई गेट कोफ नहीं है। और जो फॉल्ट ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जो फॉल्ट है, मैंने इसको जब देखा कि यहाँ से ये टूटा हुआ क्यों, क्योंकि ये पहले नहीं था। और ये देखिए, यहाँ पर जो ऊपर का जो लॉक है, ये देखिए यहाँ से लॉक दो टूटे हुए हैं इसका, इसके जो अपने बैकलाइट से टेक्नीशियन ने इसका डाला है, और जो ऊपर का ढक्कन है पैनल का, ये देखिए दो लॉक टूटे हुए हैं, दोनों लॉक ये रहे, देखिए ये देखिए, यहाँ पर एक लॉक तो इधर फंसा था और दूसरा लॉक बिल्कुल इसके ऊपर ही था। और हो सकता है इसमें क्या हुआ कि ऊपर का प्रेशर आने से ये ब्रेक हुआ है, और इसी ब्रेक की वजह से ये फॉल्ट है। इसमें टेक्नीशियन ने कुछ जल्दबाजी किया है, किसी तस्वीर पे गलती हुआ है, और यहाँ से प्रेशर आने से ये पहले ब्रेक हुआ है। फिर भी हम एक ट्राई करेंगे ताकि ये कुछ ना कुछ देखने लायक बन जाए। इधर का सिग्नल मैं क्या करूँगा, कटिंग मेथड यूज़ करके इधर का सिग्नल मैं कट करके देखता हूँ, ताकि इधर हल्का फुल्का हिस्सा में पिक्चर ना आए, और ये जितना भी हिस्सा चल सकता है हम उतना ही कोशिश करेंगे। ये देखिए, जब मैं इस पर टच करता हूँ फॉल्ट में भी, ये देखिए फॉल्ट में भी डिफरेंस पड़ता है, ये इसी का फॉल्ट है ये, ना कि पैन के अंदर कोई छोटी नहीं है, ये टूटने से ही पैन में फॉल्ट हुआ है। तो कटिंग मेथड से मैं इधर का हिस्सा कट करके देखता हूँ, ताकि आधा हिस्सा भी यदि चल जाए तो कस्टमर काम चल जाएगा। तो इसी पे वर्क करने के लिए मैं पैन को दोबारा से फिट कर लेता हूँ, और दोबारा से कटिंग मेथड यूज़ करके आपको आगे डिटेल देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो गेट सिग्नल के टेस्टिंग पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो गेट सिग्नल के टेस्टिंग पॉइंट है वो ये रहे, 7 से 8 पॉइंट जो होते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब इस ग्राउंड वाले प्रिंट से लेकर नीचे ये जितने प्रिंट टेस्टिंग पॉइंट हैं ये गेट सिग्नल के हैं। और उन्होंने एक अच्छा काम कर रखा है इस पैनल में, ये देखिए बीच में जहाँ से होल हैं, देखिए यहाँ से जो सिग्नल हमारे रिलीज होते हैं और कोफ में इनपुट होते हैं, बीच में यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, जहाँ से हम कटिंग करके जंपर भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जा रहा है यहाँ से। तो मैंने एक दो तीन चार प्रिंट कट किए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, हल्का सा फ़र्क पड़ा, लेकिन पिक्चर बिल्कुल उसमें भी दिख नहीं रहा था। तो अभी मैंने ये नेक्स्ट वाले प्रिंट काटना स्टार्ट किया है, मैं देखता हूँ, एक प्रिंट हमने अभी कट किया है, मैं अभी चला के देख लेता हूँ कितना फ़र्क इसमें पड़ा है। और बात करें, मैं बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि बीच में आपने नहीं दिखाया कि आपने कट कब किया, क्या किया। मैं पहले भी वैसे तो मैं बिल्कुल डिटेल पूरे देता हूँ, लेकिन बीच में अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला प्रिंट करके देख रहा हूँ कहाँ से हमारा फॉल्ट निकल पाता है, कहाँ से रिस्पॉन्स हमको अच्छा मिलेगा। मैं अभी एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कितना इसमें डिफरेंस पड़ा है। मैं स्टैंड पर सिलीज करा एक बार, ये देखिए दोस्तों, स्टैंड पर सिलीज हो चुका है।
जो स्मार्ट टीवी दो बार लिखा हुआ आप देख रहे हैं, दो जगह पे पिक्चर दिख रहा है, जो बीच में फ्लिकरिंग था वो हटक गया है। ये देखिए क्वालिटी तो अभी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से नहीं बना, सिर्फ ही देखने देखने लायक बना है। ये भी इसको प्रॉपर ओके तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ देखने लायक बना है, फ्लिकरिंग हट गया है। और अभी मैं इस पर और ट्राई कर रहा हूँ अभी, और जितना भी ये लास्ट में जो पिक्चर अभी रुका है वो इस साइड से रुका है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, धीरे धीरे इनको भी मैं, एक मिनट, ये देखिए इनको जो तीन प्रिंट बचे हैं, चार चार आठ गेट सीलन थे, क्योंकि इस साइड तो पहले हमारा ओके है, इसी साइड में फॉल्ट है, इस साइड में जैसे हमने पहले रखा है, इस साइड राइट साइड में फॉल्ट है, तो राइट साइड में हम इसको कटिंग को वैसे को टोटली यूज़ करेंगे। थ्री प्रिंट है, मैं बारी बारी से तीनों को कट करके देखता हूँ, जहाँ तक पैनल में क्वालिटी बनती है, जहाँ तक देखने लायक बनता है, मैं वहाँ तक प्रयास ज़रूर करूँगा। यदि किसी प्रिंट से फॉल्ट बढ़ता है तो उसको भी दोबारा लगाना ही पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा प्रयास करके आगे वीडियो में आपको आगे डिटेल दूँगा। दोस्तों देखिए, जितना भी हमने प्रयास किया, हमने कर सकते थे उतना प्रयास कर लिया है। और बात करें पैन का फॉल्ट निकलने की, फॉल्ट तो इसमें था ही नहीं, ब्रेक होने से जो फॉल्ट हमको देखने को मिल रहा था उसमें काफ़ी हमको इम्प्रूव मिला। और मैं एक बार आपको स्टैंड बाय सीरीज करके दिखा देता हूँ, जो डबल पिक्चर अभी दिख रहा था, ये देखिए फ्लिकरिंग हट गया था, डबल पिक्चर था जो, वो भी चला गया अभी फ़िलहाल। देखिए मतलब कहने का पैन देखने लायक बन चुका है, सिर्फ ये कोना देखिए, ये छोड़कर दो हल्की सी लाइनिंग आएंगी, उसको छोड़ के पैन हमारा देखने लायक बन चुका है। देखिए आपके सामने जो फ्लिकरिंग था पहले ही हट गया था, पहले ही कटिंग करने पर, जो सेकंड जो पोर्शन था उसमें कट करने पर डबल इमेज का फॉल्ट अभी आ रहा था, जैसे मैंने बीच में दिखाया था वीडियो में। और अब बात करें पैन में कोई भी फॉल्ट नहीं है, और लगभग हमारे एक से डेढ़ घंटा लगा इसमें पैन हमारा देखने लायक बन गया, सिर्फ ये दो लाइनिंग बीच में को, एक मिनट, ये देखिए हल्की सी लाइन दो दिख रही है, लेकिन हमारा पैन देखने लायक बन चुका है। ये कस्टमर का भाग्य अच्छा रहा कि पैन टूटने के बाद भी देखने लायक बन गया। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जल्दबाजी पैन रिपेयर करते वक्त या बैकलाइट चेंज करते वक्त यदि आप पैन के साथ कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि इससे आप पैन को डैमेज कर बैठते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में आपने सबको देख ही लिया, थोड़ी सी हमारी जल्दबाजी किसी भी कस्टमर का कितना बड़ा नुकसान कर देती है। कभी भी पैन का वर्क करते वक्त या बैकलाइट चेंज करते वक्त इतनी जल्दबाजी ना करें कि पैन का नुकसान हो जाए, और आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, साथ में कस्टमर का भी कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और यदि आप किसी फॉल्ट को पैन को रिपेयर करें किसी फॉल्ट में, यदि उस पर दो घंटे चार घंटे भी लग रहे हैं, तो आप इतना टाइम तो निकाल लीजिए कि इतना टाइम आपके पास हो उसी टाइम उस पर वर्क कीजिए। और कस्टमर से इससे अच्छा है कि जल्दबाजी की बजाय आप उस पर उससे टाइम ले लीजिए, ताकि उसका भी नुकसान ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मैं जब भी फॉल्ट पे वर्क करता हूँ, मैं किसी एलईडी पे चार से पाँच घंटा लगा देता हूँ, और जब तक नहीं निकलता फॉल्ट तब तक मैं उस पर ट्राई करता रहता हूँ, और मैं फ्री टाइम में करता हूँ, कभी भी मैं पैनल का नुकसान होने नहीं देता, और बड़े ध्यान से बड़े कस्टमर से टाइम लेकर मैं वर्क करता हूँ, चाहे वो टेक्नीशियन का हो चाहे कस्टमर का हो, मैं जल्दबाजी कभी नहीं करता, जैसा कि आप वीडियो में हर वीडियो में आपने देख के पता लग ही गया होगा। और जो फॉल्ट डबल इमेज का रह गया था, अभी मैं उसके बारे में डिटेल देना चाहता हूँ। मैंने जितने भी सीलन गेट सीलन दिए थे, देखिए आठ के आठ टेस्टिंग पॉइंट दे रखे मैंने, पहले इसको कट किया, यहाँ पर पाँच पॉइंट को कट करने पर डबल इमेज का फॉल्ट आ गया था, जो सबसे लास्ट वाला नीचे वाला पॉइंट है, ये कट करने पर डबल इमेज का जो फॉल्ट हमको देखने को मिल रहा था। फ्लिकरिंग तो इससे हट गई थी, लेकिन डबल इमेज आ गया था बीच में, जो नीचे पिक्चर डबल होकर दिख रहा था, और इस पॉइंट को कट करने पर वो डबल इमेज का फॉल्ट निकला है। मतलब इधर आधे हिस्से के जो सिग्नल है वो कट करके हमारा फॉल्ट निकल पाया। जितना भी हुआ पैन अच्छा हो गया काफ़ी, मतलब इसको 80% ओके कह सकते हैं, और देखने लायक बन गया। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, और जब हम इतने मेहनत करते हैं सब दोस्तों आपके लिए करते हैं, आपको दिखाने के लिए इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो, और आपके पास कुछ इस तरह ही फॉल्ट आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे हम कुछ नहीं भी मांग नहीं करते, सिर्फ ये मांग करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे ही तो हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।